मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। आज हम देखेंगे नागपुर का जो तापमान है, जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, नागपुर की धूप और इस धूप में होने वाले प्रॉब्लम्स। इसमें एक जो प्रॉब्लम है जो अधिकतर लोग जिससे सफ़र होते हैं वो है बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब पेशाब में जलन होना। धूपकाले में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम धूपकाले में आता है, ऐसे तो किसी भी सीज़न में आ सकता है, लेकिन अक्सर धूपकाले में लोग धूप में बाहर घूमते हैं और पानी कम पीते हैं, प्यास लगती है लेकिन ठंडा पानी नहीं मिलता, इस वजह से लोग पानी कम पीते हैं। और यहाँ पर पानी कम पीने की वजह से पेशाब में जलन होती है। शरीर में का पानी धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, पानी की बाब बन जाती है, शरीर डिहाइड्रेट होता है और इसका हमें पता ही नहीं चलता। और जिस वक्त पेशाब में जलन होना शुरू होती है, बर्निंग होना शुरू होता है, उस समय फिर हमें लगता है कि हमें उनाली लग गई है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है। तो इसकी एक मुख्य वजह यह है कि पानी कम पीना। तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि समर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाइड्रेट करना चाहिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी को मित्रों संस्कृत में जीवन कहा है। जीवन इस शब्द से पानी को संबोधित किया है, मतलब जो लोग पानी ज्यादा पीते वो ज्यादा जीते। पानी का रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने जिन्हें पानी पीने से रिस्ट्रिक्ट किया है मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। अदरवाइज जिसे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब पानी पीने के बाद में अगर पेशाब की जलन कम हो रही है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है डिहाइड्रेशन से, मतलब हमने पानी कम पिया करके पेशाब में जलन थी, अब पानी अच्छा खासा पी रहे तो पेशाब की जलन चले गई। अब पानी बहुत पीने के बाद में भी पेशाब में अगर जलन रह रही है तो इसका दूसरा रीज़न है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मित्रों पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने की वजह से पेशाब में जलन हो सकती है। इसमें सिर्फ जलन ही नहीं, ठंडी बच के बुखार आना ये भी लक्षण इसमें आता है। तो किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है और साथ में पेशाब में भी जलन है तो यहाँ पर हो सकता है उसे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे समय यूरिन की जांच करना, 100 रुपीज लगते हैं, पेशाब की जांच करिए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर यूरिन में आपके पस सेल्स निकलते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन निकलता है तो फिजिशियन आपको मेडिसिन देगा और वो मेडिसिन से यूरिन का इन्फेक्शन हम ठीक कर सकते हैं। तीसरी वजह है यूरिनरी स्टोन, पथरी। पेशाब में अगर पथरी हो जाती है यूरिनरी ट्रैक में, अगर कहीं पर भी किडनी में कहो या यूरेटर में कहो स्टोन हो जाता है तो उसके वजह से भी पेशाब में जलन होती है। साथ में कई बार पेशाब लाल होती है, मतलब पेशाब में से खून भी जाता है, कई बार खून आंखों से नजर नहीं आता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यूरिन टेस्ट में नजर आता है। मित्रों हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, इस चित्र में आप देखिए, यहां पर दिखाया गया है कि 2 किडनी है और उस किडनी में जब पेशाब बनती है तो वो पाइप के जरिए, मतलब यूरेटर के जरिए ब्लैडर में लाई जाती है। अब स्टोन किडनी में हो या यूरेटर में हो उसे ब्रेक करना है। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट इसके लिए परफेक्ट डॉक्टर है।
जो शॉक वेव लिथोट्रेप्सी इस मेथड से उस स्टोन को ब्रेक करता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कोई काटपीट नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं, कोई सलाइन नहीं लगता है, कुछ नहीं। ये कुछ घंटों का प्रोसीजर है, इसमें ओपीडी जैसा प्रोसीजर है ये, और इसमें स्टोन की पाउडर बना के शरीर से बाहर निकाली जाती है। इससे हम किडनी को बचा सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा स्टोन इंसान की किडनी को खराब कर सकता है, और एक बार किडनी खराब हो गई तो ये वन वे है। वंस द किडनी इज डैमेज, इट इज डैमेज फॉर एवर, ये कहने में मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है। दोस्तों, किडनी स्टोन को हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई अलग अलग पैथीज में इसकी मेडिसिंस है, मैं हर पैथी को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर हम रहा देखेंगे और कई महीनों तक, सालों तक अगर वो स्टोन वहीं रहा, तो धीरे 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 इसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। किडनी का साइज, ये यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए नॉर्मल किडनी का साइज क्या है, और स्टोन की वजह से, पेशाब अंदर रुकने जाने की वजह से किडनी का साइज कैसे हो गया है। पेशाब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये शरीर से समय समय पर बाहर निकलना ही चाहिए। अगर ये पेशाब अंदर रुक जाती है स्टोन की वजह से, ये स्टोन किडनी को इतना हार्म करेगा कि ये किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। मित्रों, यहाँ पर हमें तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरा, अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करना है डॉक्टर के मेडिसिन से। और तीसरा, अगर किडनी स्टोन है तो हमें सीधे यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, और यूरोलॉजिस्ट हमें जो एडवाइस करेगा उस एडवाइस के ऊपर हमें चलना है, तो हम किडनी को बचा सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।